सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। उनको देखे से जो चेहरे पे आ जाती है रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। बिल्कुल ऐसी ही तस्वीर उनकी हमारे दिल में है। इतना रिफ्रेशिंग चेहरा और इतनी खूबसूरत पर्सनालिटी। बिग एफएम पर मैं हूं सिद्धार्थ, मेरे साथ भावना सोमाया। संडे मॉर्निंग वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज उस पर्सनालिटी की, उस खूबसूरत शख्सियत की बर्थ एनिवर्सरी है, द वन एंड ओनली शशि कपूर साहब। और भावना जी, आज मैंने सोचा है कि आपके जितने इंटरैक्शंस हुए हैं राइट सिंस योर अर्ली डेज इन जर्नलिज्म टिल यू नो योर फाइनल मीटिंग विथ हिम, उसको कड़ी बाई कड़ी हम आज सुनेंगे। इसे ये भी पता चलेगा कि उनका फिल्मी करियर कैसा चल रहा था, उनकी ज़िंदगी कैसे चल रही थी, उनका स्टार्डम कैसा चल रहा था, हम उनको पहचान पाएंगे और करीब से। तो चलिए शुरू से ही शुरू करते हैं कि आपकी फर्स्ट मीटिंग, आपने मुझे बताया, बहुत इंटरेस्टिंग रही थी शशि जी के साथ। तो उन दिनों मैं कॉलेज में थी और हमको अगर किसी स्टार से मिलना होता था तो हम उनके घर पर ही फ़ोन करते थे और उनके जो घर के केयरटेकर्स होते थे वो फ़ोन पर बुलाते थे उनको। तो शशि जी फ़ोन पर आए और मैंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा मैं फेमस स्टूडियो जा रहा हूँ, आप आ जाइए वहाँ। तो मैं बहुत यंग थी, एमेच्योर थी, तो मैंने कहा कि वो कहाँ है। तो उन्होंने कहा यंग लेडी ओपन द डायरेक्टरी एंड फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ। तो ये पहला मेरे लिए लेसन था एज अ जर्नलिस्ट कि आपको फिगर आउट करना है, आप जिनको मिलने जा रहे हो आप उनसे नहीं पूछ सकते हो कि ये कहाँ है एड्रेस। तो इसी तरह से वो हर बार जब मुझे मिलते थे कोई ना कोई लेसन मुझे पढ़ाते थे। जैसे कुछ महीने बाद या फिर से मैं उनको मिली। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूँ कि उस ज़माने में मीडिया ऑफिसेज में जो फीमेल रिपोर्टर्स होती थी वो सबके बीच में लड़ाई चलती थी कि शशि कपूर का इंटरव्यू कौन करेगा। आई एम श्योर। तो सब शशि कपूर को मिलना चाहते थे। तो एक बार और मैं उनको मिलने गई और फिर से उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपको इंटरव्यू देता हूँ। तभी उनको शॉट के लिए बुलाया गया, तो वो शॉट के लिए चले गए। और मुझे लगता है कि वो शॉट में या शॉट लंबा चला या वो भूल गए कि मैं उनके कमरे में बैठी हूँ। और मैं इतनी नई थी कि मुझको डर लग रहा था कि अगर उनका कमरा है तो मुझे ऊपर उठ के लाइट ऑन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अच्छा। तो मैंने लाइट भी ऑन नहीं की। तो जब तक वो वापस आए तो पूरा अंधेरा था रूम में और वो अपने प्रोड्यूसर के साथ कमरे में आए। तो उन्होंने कहा तुम क्या कर रही हो यहाँ और लाइट क्यों नहीं चलाई। तो आई थिंक दैट ही वाज जस्ट सो शॉक्ड कि ऐसी भी अक्कल वगैरह की लड़की हो सकती है जो लाइट भी ऑन नहीं कर सकती है। तो उसने सर ठोका और बोला कि कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। एक और बहुत बड़ा लेसन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में दे दिया शशि कपूर साहब ने भावना जी को, जानेंगे। इससे ये भी पता चलेगा कि क्या पर्सनैलिटी थे वो। Once upon a time in Bollywood, मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ भावना सोमाया, 92.7 Big FM पर। आप सुन रहे हैं 92.7 Big FM पर, Once upon a time in Bollywood। Big FM पर मैं हूं सिद्धार्थ, मेरे साथ भावना सोमाया। शो वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, संडे स्पेशल शो, आज सुपर स्पेशल क्योंकि आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, जिनको देखकर, जिनकी स्माइलिंग फेस को देखकर हमेशा स्माइल करने का मन करता है, मुस्कुराने का मन करता है। द वन एंड ओनली शशि कपूर साहब की बर्थ एनिवर्सरी है। और आज बात हो रही है भावना जी कि आपके जो इंटरैक्शंस रहे हैं शशि कपूर साहब के साथ बहुत इंटरेस्टिंग रहे हैं और उन्हीं इंटरैक्शंस में आप काफ़ी कुछ सीखती भी चली गई। फर्स्ट मीटिंग की तो बात हो गई लेकिन एक और किस्सा जिसने आपको बहुत कुछ सिखा दिया इंडस्ट्री के बारे में। मैं कहूँगी कि इस किस्से ने मुझे बिल्कुल बदल दिया और ये इनएडवर्टेंटली शशि कपूर बिकेम अ मेंटर इन माय लाइफ, क्योंकि ये फाउंडेशन ऑफ जो रिश्ता था उसमें वो सिखाते रहे और मैं सीखती रही। तो मोहन स्टूडियो में उन्होंने बुलाया था और उस दिन मेकअप रूम की बहुत शॉर्टेजेस थी। तो शशि जी क्योंकि थिएटर से है, उनको इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ बिग स्टार ऐसे कोई हैंगअप्स नहीं थे। तो वो मेकअप रूम में भरतभूषण थे और बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट भी थे, सब मेल एक्टर्स उस सीन में जो थे सब एक ही रूम में शेयर कर रहे थे। मैं आई और सीधा शशि जी से बात करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने बड़ी आंखें मुझे दिखाई और धीरे से कहा कि आपने भरतभूषण जी से नमस्ते नहीं किया।
तो मैंने भी बहुत धीरे से कहा कि मेरा उनके साथ ऑफिशियल इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है। खड़े हुए और इतना ज़ोर से मुझे डांटा, चाटा नहीं मारा, मुझे हैरत है। उन्होंने कहा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ तुम्हारा, तुम हो कौन? भरत भूषण को तुम नहीं जानती हो, तानसेन नहीं देखी है, बैजू बावरा नहीं देखी है, उठो पहले इनको नमस्ते करो, फिर उनसे अपोलोजाइज करो कि तुमने मेरे साथ बात की, उनसे पहले बात नहीं की। उसके बाद जो है सारे दूसरे एक्टर्स थे उन सबसे नमस्ते करवाया, फिर मुझे सेट पर लेकर गए। प्रोड्यूसर से नमस्ते करो, डायरेक्टर से नमस्ते करो, कैमरामैन से नमस्ते करो। उन्होंने कहा तुम जर्नलिस्ट लोग हो कौन? तुम हमारे सेट पे आते हो, हमारे सेट पे बैठते हो, हमसे बातें करते हो, और ये सेट जिनका है उनसे आप अक्नॉलेज भी नहीं करते हो। तो ये बहुत बड़ी सीख थी, और जो आज कभी कभी मेरी तारीफ होती है कि मैं अच्छी तरह से लोगों के साथ पेश आती हूँ, मुझे लगता है इसकी पहली ईंट शशि कपूर ने रखी है। वाओ, वाओ। एक और बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा, मतलब उससे फिर से पता चलेगा कि शशि कपूर साहब किस तरीके की पर्सनालिटी थे। एक और इंटरव्यू भावना जी का उनके साथ हुआ था, लेकिन वो स्टूडियो में नहीं था, वो ऑफिस में नहीं था, वो कहीं और था। कहाँ था ये जानेंगे वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। आज शशि कपूर साहब को श्रद्धांजलि, मैं हूं सिद्धार्थ, मेरे साथ भावना सोमाया 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। Once upon a time in Bollywood, मैं हूं सिद्धार्थ, मेरे साथ भावना सोमाया, बिग एफएम पर संडे मॉर्निंग। आज की ये मॉर्निंग ज्यादा स्पेशल, सुपर स्पेशल, क्योंकि आज एक सुपर स्पेशल पर्सनालिटी की बात हो रही है। आज शशि कपूर साहब की बर्थ एनिवर्सरी है। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी फिल्मों के जरिए, अपने ऑफ स्क्रीन परसोना के जरिए, थिएटर के जरिए बहुत कुछ जाने अनजाने लोगों को सिखाते रहे शशि कपूर साहब। भावना सोमाया जी को बहुत कुछ सिखाया है। हमने पहले कुछ मीटिंग्स की बात की, इंटरेक्शंस की बात की, जिससे आपको इंडस्ट्री के बारे में भावना जी काफी पता चला। और अनजाने में, ऐसा नहीं था कि वो आपको प्रीच कर रहे थे, मतलब उनके एक्शन से ही आप बहुत कुछ जान गई और वो आपके एक इनडायरेक्ट मेंटर भी बन गए थे। एक और बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है आपकी इंटरव्यू का, जो ना तो ऑफिस में था ना स्टूडियो में था, वो कहीं और ही चल रहा था। ये 70s के दौर में शशि कपूर शायद एक इकलौते एक्टर थे जो सेल्फ ड्राइव करते थे, ड्राइवर नहीं रखते थे। और मल्टी स्टारर का ज़माना था और मल्टी शिफ्ट्स का ज़माना था, क्योंकि शशि कपूर ने नॉन सक्सेस लंबे अरसे तक देखी थी और 3 बच्चे हो गए थे। तो उनको जब काम मिलने लगा तो उन्होंने तय कर लिया था कि वो सारा काम करेंगे। और इसकी एक और भी वजह थी जिस पर हम बाद में बात करेंगे। तो वो एक शूटिंग से दूसरी शूटिंग तक ड्राइव करके जाते थे और उनके पास समय कम रहता था, तो जो डायरेक्टर उनको नए ऑफर देना चाहते थे या राइटर कहानी सुनाना चाहते थे या मेरे जैसी जर्नलिस्ट इंटरव्यू करना चाहते थे, उनको वो एक लोकेशन पर बुला लेते थे और फिर गाड़ी में बिठाते थे और गाड़ी में वो अपना इंटरव्यू और स्टोरी नरेशन करते थे। अब किस्सा ये था कि ये बहुत ही खूबसूरत थे शशि जी, और वाइट पजामा कुर्ता वेल आयर्न्ड पहनते थे, और कभी भी उनको देखो तो ऐसे लगता था कि ग्रीक गॉड है। मैं जो हूँ मिडिल क्लास से थी, अनग्रूम्ड थी, अनएक्सपोज्ड थी सारे ग्लैमर वर्ल्ड से, तो गाड़ी में अपने पास आगे बिठाते थे तो मुझको ऐसे थोड़ी सी सहम जाती थी कि कहीं बहुत इतना करीबी से मैं उनसे बात कर रही हूँ, वो इतने खूबसूरत हैं। तो बहुत मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो सो सेंसिटिव, इमीडिएटली गैदर्ड व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर हेड। तो मैं ऐसे डोर के और लीन हो जाती थी, तो कहते थे कि तुम लीन मत हो क्योंकि तुम गाड़ी से गिर जाओगी, और अगर तुम गिर गई तो आई विल मिस योर कंपनी। तो मैं इतनी यंग थी और मुझे शशि जी इतने पसंद थे, तो मैं सोचती थी कि शायद वो सचमुच मुझे मिस करेंगे। क्या था ना सिद्धार्थ, शशि जी वॉज द ओनली वन हु वॉज नॉट ऑब्सेस्ड विथ हिमसेल्फ। सारे एक्टर्स ज़्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कि देखना कि अगर वो मेकअप रूम में भी बैठे हैं ना तो वो आईने के सामने बैठेंगे, खाना भी वो आईने के सामने खाएंगे। शशि जी का कैनवस बहुत बड़ा था, तो वो हमेशा जो भी बात होती थी उसमें वो उसका जो वर्ल्ड व्यू था वो बड़ा था। फॉर एग्जांपल, जैसे बात करते करते अगर मैं कॉन्वेंट एडुकेटेड थी, हिंदी ज़्यादा उच्चार अच्छा नहीं था, तो फांसी या ऐसे कुछ रॉन्ग बोलती तो ही टू एक्सप्लेन के
फांसी होता है PHAANSI एंड नॉट FAANSI. फ और फ में क्या फ़र्क होता है, जैसे कि मैं उनको शायद मैंने हर जगह पे उनका इंटरव्यू किया है. एक बार सर्कस में बुलाया था, सर्कस टेंट में. ओके. तो मुझे बता रहे हैं कि देखो ये डायरेक्टर ने कितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन किया है कि मैं अंदर आया, उसकी एग्जिट एंट्री इस तरह से की है कि किसी को पता नहीं चला, मैं अपना शॉट देकर चला गया. उसी तरह से हैंगिंग गार्डन में एक बार शूटिंग थी उनकी, तो एक ही सीन था, तो मुझे समझा रहे थे, मेरे में तो अकल थी भी नहीं, मगर समझा रहे थे कि देखो एक ही सीन था मगर उन्होंने 3 कैमरा वो लेकर आए हैं और सारे लाइट सही है, कि ऐसा नहीं कि एक सीन है तो कुछ भी ऐसे ही ठोक दो. करेक्ट. तो बहुत एहसास था. शशि कपूर साहब जाने अनजाने बहुत कुछ सिखाते चले गए, लेकिन एक इंसान उनकी जिंदगी में ऐसा है जिन्होंने उनको बहुत कुछ सिखा दिया, जिंदगी बदल दी उनकी, उनकी बात भी करेंगे. भावना सोमैया बताएंगे, मैं हूं सिद्धार्थ. शशि कपूर साहब को एक ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि 92.7 बिग एफएम पर. सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड. आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड. बिग एफएम पर मैं हूं सिद्धार्थ, मेरे साथ भावना सोमैया, लेकर आ गए हैं वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, एक स्पेशल शो जो संडे मॉर्निंग को तरोताजा कर देता है. और आज उस शख्सियत की बात हो रही है जिनको देखकर, जिनकी फिल्मों को देखकर, जिनकी पर्सनालिटी को देखकर हमेशा जीने का मन करता है, मुस्कुराने का मन करता है. आज शशि कपूर साहब की बर्थ एनिवर्सरी है, आज का ये शो उन्हें डेडिकेटेड. अभी अभी भावना जी ने बताया अपने इंटरेक्शंस के बारे में कि कैसे जाने अनजाने वो सीख दे जाते थे हर बार, लेकिन एक इंसान उनकी जिंदगी में आई भावना जी, और उन्होंने उनको काफी कुछ सिखा दिया. वो थी उनकी धर्मपत्नी जेनिफर कैंडल और बाद में जेनिफर कपूर. हम सबको पता है कि कैसे शेक्सपियराना ग्रुप और पृथ्वी थिएटर्स का एक एक्सचेंज ग्रुप होता था, और वो उनके शेक्सपियराना ग्रुप में जुड़ गए और टूर करने लगे. बहुत सारे प्लेज में उन्होंने काम किया. इसी दौरान जेनिफर और शशि जी के बीच में प्यार हो गया, शादी हो गई. पृथ्वीराज कपूर के परिवार हमेशा बड़े दिल के रहे और फॉरेनर बहू घर में आ गई. तब वो माटुंगा के घर में रहते थे, और एक किस्सा शशि जी ने सुनाया था कि ये थी फिरंगी, और अगर एक किस भी मियाँ बीवी के बीच में करना होता था तो उस कमरे के कुछ 10 तो खिड़कियाँ होती थी, वो बंद करने पड़ते थे. तो जेनिफर यूज़ टू गो कम्प्लीटली मैड. और उस दौर में शशि जी के पास काम नहीं था, तो बहुत लंबे अरसे तक पिताजी के घर पे ही रहे. बाद में जैसे काम मिलने लगा तो ही मेड इज़ ओन होम, और एक के बाद एक 3 बच्चे भी हो गए. जेनिफर सब फिल्म बीवियों से अलग थी, और शशि जी भी उनकी वजह से अलग स्टार थे. जैसे कि संडे के दिन शूटिंग नहीं करते थे, स्विमिंग पूल में, ब्रीच कैंडी में बच्चों को लेकर जाते थे. अगर रविशंकर परफॉर्म कर रहे हैं इंडिया में, बॉम्बे में, तो कोई भी शूटिंग क्यों ना हो, डायरेक्टर से परमिशन लेकर घर चले जाते थे और पत्नी को लेकर रविशंकर के परफॉर्मेंस के लिए जाते थे. शशि जी अगर दूसरे कपूर की तरह मोटे नहीं हुए तो जेनिफर उस तरह का उनका ख्याल रखती थी, खाना देती थी, बल्कि शशि जी को टिफ़िन में भी एक नोट देती थी कि शशि प्लीज़ डोंट ओवर ईट, ताकि उनको याद रहे कि मीठा नहीं खाना है. और ये शशि जी का सपना था कि पापा जी का पृथ्वी थिएटर रिसरेक्ट करना है, और इसमें साथ दिया जेनिफर ने. दोनों ने मिलकर ये सपना देखा था. और वो सपना पूरा कैसे होता है, विटनेस रही है भावना जी उसकी, जानेंगे. वो भी बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है. 92.7 बिग एफएम, मैं हूं सिद्धार्थ, मेरे साथ भावना सोमैया, वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड में. आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड. स्वागत, वेलकम संडे मॉर्निंग संडे स्पेशल शो के साथ वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड. लेकर आ गया हूं मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ भावना सोमैया, बिग एफएम पर. और आज की ये सुबह बहुत खुशनुमा है क्योंकि आज शशि कपूर साहब की बर्थ एनिवर्सरी है, आज का ये शो उन्हें डेडिकेटेड. और जितना कॉन्ट्रीब्यूशन उनका फिल्मों को है, अच्छी फिल्मों की तरफ है, उससे कम कॉन्ट्रीब्यूशन थिएटर को नहीं है. बहुत कुछ किया है उन्होंने थिएटर के लिए, और प्राइम एग्जाम्पल जिसे कहा जा सकता है वो है पृथ्वी थिएटर. लेकिन ये एक ख्वाब था भावना जी, जो उन्होंने किसी और के लिए पूरा किया था.
ये वादा था या ये ख्वाब था, ये सपना था, अपने पिताजी के लिए ट्रिब्यूट थी। देखो ये थिएटर वो शशि कपूर थिएटर भी बुला सकते थे, मगर उन्होंने पृथ्वी थिएटर बुलाया। तो जहाँ जानकी कुटीर में कैफी साहब का घर है, कॉटेज है, उनके बाजू में ही पृथ्वी झोपड़ा होता था, जो पापा जी का झोपड़ा होता था, और वहाँ पे पापा जी ने बहुत समय बिताया है। तो उसके सामने एक प्लॉट था। तो जैसे मुझे हमेशा गाड़ी में इंटरव्यू करते थे, तो उन्होंने कहा था कि तुम 2 बजे या 1 बजे जानकी कुटीर के पास मुझे मिलना। जानकी कुटीर के पास मैं मिल गई उनको, तो उन्होंने फॉरेन टेक्नीशियंस को सारे बुलाए थे, और जेनिफर भी आ गई थी एटलस अपार्टमेंट यानि टाउन से। मुझे बोला चुप रहो और यहाँ बैठो और सुनो और समझो। प्लेन ग्राउंड था वहाँ, सारे फॉरेन आर्किटेक्ट्स आए हुए थे, सारे वो रोल्ड मैप्स टेबल पर फैलाए जाते थे, ये एम्फी थिएटर ऐसे बनेगा, यहाँ गार्डन होगा, यहाँ कैफ़े होगी, ऐसे सब हो रहा था। जब मैं ऐसे देख रही थी तो मुझे बोला था कि अक्ल तो है नहीं, समझ में आएगा नहीं तुमको कुछ, जब ये थिएटर बन जाएगा ना तुम यहाँ थिएटर देखोगी और मुझे याद करोगी। और इतनी डिटेलिंग में जाते थे, और फिर जैसे ही ये सारी बातें ख़त्म हो जाती थी तब वो फिर गाड़ी में मुझे और भी समझाते थे। वो कहते थे कि आई एम गोइंग टू मेक इट नॉन प्रॉफिट, 10 रुपये की टिकट होगी, और 10 रुपये की ही टिकट होती थी जब शुरू हुआ था। मुझे समझाते थे कि ये सब मेरे पर हंस रहे और मुझे बोल रहे टैक्सी टैक्सी, और मैं सब फिल्में कर रहा हूँ, ये मैं थिएटर कैसे बांधूँगा जब तक मैं ये सारी फिल्में नहीं करूँगा। मैं इन लोगों से पैसे लेकर मैं थिएटर बनाऊँगा जिससे सारे थिएटर लवर्स, एक्टर्स, परफॉर्मर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, सबको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। और जब मैं फिल्म भी बनाता हूँ, मैं ऐसी मेन स्ट्रीम सिनेमा में काम करके, उन्होंने फिल्में कैसी बनाई अपने प्रोडक्शन हाउस से, जुनून श्याम बेनेगल के साथ, कलयुग श्याम बेनेगल के साथ, उत्सव गिरीश कर्नाड के साथ, विजेता गोविंद नहलानी के साथ, तो सलाम करती हूँ मैं। और इस जुनून में जुड़े थे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे, सारे बच्चे, क्योंकि जेनिफर फिर चल बसी। और जैसे ही जेनिफर पास्ट अवे, शशि कपूर लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ, ही पुट ऑन वेट, ही स्टॉप्ड एक्टिंग, बट संजना ने डोर संभाल ली। और आगे चलकर संजना मूव्ड अहेड और कुणाल कपूर ने डोर संभाली। आज भी पृथ्वी थिएटर न सिर्फ एक मेजर अट्रैक्शन है मुंबई आने का कई लोगों के लिए, हिंदी थिएटर को जिंदा रखने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप किसी भी थिएटर एक्टिविस्ट या एंथुजियास्ट या डायरेक्टर या प्लेराइट से पूछ सकते हैं। एक लास्ट गैदरिंग शशि कपूर साहब के अराउंड, उसे ऑर्गेनाइज करने में भावना जी का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ओकेजन बहुत स्पेशल था, उसके बारे में भी बात करेंगे। बिग एफएम, मैं हूं सिद्धार्थ, मेरे साथ भावना सोमैया, वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड पे। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड लेकर आ गया हूं मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ भावना सोमैया बिग एफएम पर। और आज का ये शो हमने डेडिकेट किया है द वन एंड ओनली शशि कपूर साहब को, क्योंकि आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। और भावना जी, एक लास्ट गैदरिंग हुई थी और एक बहुत स्पेशल ओकेजन था, और उस गैदरिंग को जुटाने में आपका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन भी था, उसकी बात करते हैं। शशि जी को सारे फिल्म मैगजीन्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना चाहते थे, मगर वो हमेशा ही केप्ट रिफ्यूजिंग, क्योंकि वो अभी व्हीलचेयर पर थे और वो चाहते नहीं थे कि वो ऐसे अपने फैंस के सामने आए, और परिवार का भी यही मत था। फिर उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड ऑनर करने के लिए ऐलान हुआ। इसके लिए भी एक दुविधा थी परिवार में, क्योंकि पापा जी को जब दादा साहेब अवार्ड मिला, उसके थोड़े महीने के बाद वो गुजर गए। राज कपूर को भी जब दादा साहेब अवार्ड मिला, तो थोड़े महीने के बाद वो गुजर गए। तो एक तरह से बोलना तो नहीं चाहिए, मगर कुछ अनलकी माना जाता है। क्योंकि ये भी हो सकता है लॉजिकली कि आपकी उम्र हो गई है इसलिए आपको दादा साहेब अवार्ड दिया जाता है। शायद गवर्नमेंट सोचती है कि आपके पास समय नहीं है, और हम उसका इस तरह से मतलब निकालते हैं। जाहिर है कि शशि जी दिल्ली तक नहीं जा सकते थे, तो ये तय किया गया कि पृथ्वी थिएटर में ही होगा, जो उनका घर है, और अरुण जेटली जी यहीं पर आए।
तो शबाना आज़मी ने भी बहुत मदद की थी इस फंक्शन के लिए, हम दोनों ने भी की थी, और सारी उनकी हीरोइंस को हमने बुलाने की कोशिश की, और बाद में एक बहुत अच्छा जॉइंट फोटोग्राफी लिया गया। पूरा परिवार था, पूरा कपूर खानदान था, और रणबीर कपूर ने ओपनिंग स्पीच दी थी, ऋषि कपूर बोले थे, अमित जी थे जो एक तरह से कपूर परिवार से समझी है इसलिए जुड़े हुए थे। बहुत ही इमोशनल आफ्टरनून थी। इस क्या था ना, शशि जी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती गई, वो अपनी शाम पृथ्वी थिएटर में गुजारते थे, उनको उनकी कुर्सी दो आदमी उठा के एक जगह पे लगाते थे, वो प्ले देखते थे, बाद में वो प्ले देखना भी बंद कर दिया। ज़्यादातर लोगों को पहचानते भी नहीं थे, ज़्यादातर बातें भी नहीं करते थे, मगर पृथ्वी थिएटर फेस्टिवल में वो ओपनिंग में हमेशा होते थे और वो ही दिया जलाते थे, क्योंकि ये एक प्रथा रही है। इस दौरान वो बहुत बार अस्पताल में गए हैं, वापस आए हैं, डायलिसिस पे थे, फिर से ठीक हो जाते थे, तो सबको ऐसा था कि हो जाएगा ठीक, आ जाएंगे। मैंने संजना से बात की फेस्टिवल में कि आई एम मिसिंग माय बॉयफ्रेंड, बिकॉज सबको परिवार में पता है कि मैं उनको बॉयफ्रेंड ही बुलाती थी, जब भी मिलती थी मैं कहती थी आई लव यू, आई यूज़ टू हग हिम एंड ही यूज़ टू से यू आर मैड। तो संजना ने कहा कि इस बार मुश्किल लग रहा है, तो मैंने कहा मैं देखना चाहती हूँ। उसने कहा मत देखो क्योंकि तुमको बहुत दुख होगा। मैं एक बुक रिलीज पे थी उस शाम को, और जैसे ही बुक रिलीज ख़त्म हुई और मैंने अपना फ़ोन ऑन किया तो मैसेज था कि शशि जी नो मोर। मैं बाहर आई और एक बड़ा तूफान था, अनटाइमली तूफान था, और अंधेरा था और बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी, जैसे कुदरत भी ओपोज कर रही हो कि शशि जी जा नहीं सकते। और दूसरे दिन जब उनका फ्यूनरल के लिए हम सांता क्रूज क्रेमेटोरियम में गए तो पूरे स्टेट ऑनर्स के साथ उनको फेयरवेल दिया गया। और मैं सोचती हूँ कि मुझे दिल में कितना भी दुख क्यों ना हो, हमको उनका दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत तकलीफ़ में थे, ही वॉज सफरिंग अ लॉट, एंड वी शुड से फेयरवेल फ्रेंड एंड वी विल ऑलवेज थिंक ऑफ यू विथ लव, एंड आई विल से के टू सर्व विथ लव, थैंक यू फॉर ऑल द लेसन्स यू टॉट मी। सब कुछ कह दिया आपने, मुझे नहीं लगता कि इसके आगे मैं कुछ भी और कह पाऊँगा। अगले हफ्ते एक और फिल्मी पर्सनैलिटी की बात होगी, और शशि जी के लिए तो यही कहेंगे हम कि बहुत कुछ सिखा गए आप, दिल में हमेशा 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 रहेंगे। बिग एफ एम, मैं हूँ सिद्धार्थ, मेरे साथ भावना सोमैया, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।